कानपुर देहात से खबर है। लूट के मामले में कोतवाल और दारोगा को गिरफ्तार किया गया। 50 किलो चांदी लूटने वाला लुटेरा पुलिस कर्मी निकला। आगरा के सर्राफा व्यापारी से औरैया में लूट हुई थी। भोगनीपुर थाना में ये दोनों आरोपी तैनात थे। तो आपको बता दें कि सर्राफा व्यापारी आगरा में, जिनसे कुछ दिन पहले लूट को अंजाम दिया गया था, और अब पता लगा कि 50 किलो चांदी लूटने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस कर्मी था। हालांकि इस पूरे मामले में अब कोतवाल और दारोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जो कार्रवाई है उसको भी शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि भोगनीपुर थाना में ये दोनों ही आरोपी तैनात हैं। तो एक कोतवाल और एक दारोगा था जिन्होंने 50 किलो की चांदी की लूट की वारदात को सर्राफा व्यापारी से पूरी लूट हुई थी। आगरा के सर्राफा व्यापारी थे जिससे ये पूरी लूट की गई थी। और वही इस पूरे मामले में कौन कौन गिरफ्तार हुआ है ये भी आपको बता दें। अजय पाल कोतवाल भोगनीपुर थाना, इनकी गिरफ्तारी की गई है। चिंतन कौशिक दारोगा भोगनीपुर थाना, वही रमा शंकर जो कि सिपाही हैं भोगनीपुर थाना के, उनकी भी गिरफ्तारी। इन तीनों के नाम सामने आए पूरी जांच पड़ताल के बाद। ये वही तीन हैं जिन्होंने 50 किलो की चांदी की लूट को वारदात को अंजाम दिया था। अजय पाल, चिंतन कौशिक और रमा शंकर। आपको बता दें कि अजय पाल कोतवाल है भोगनीपुर थाना के, चिंतन कौशिक दारोगा है, वही रमा शंकर सिपाही है। और इन तीनों के नाम सामने आने के बाद इन तीनों की ही गिरफ्तारी कर ली गई है। तो ये तीनों नाम हमने आपको बताए, 50 किलो की चांदी की लूट की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया। और भाई कैसे ये पूरा खुलासा हुआ ये भी आपको बताते हैं। 4 दिन पहले सर्राफा व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। चेकिंग के नाम पर यहाँ पर लूट का आरोप लगा है। चेकिंग के दौरान यहाँ पर इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया। आगरा के व्यापारी से औरैया में लूट हुई थी, औरैया में लूट हुई थी, ऐसे में व्यापारी से 50 किलो की चांदी लूटी गई। पीड़ित के शिकायत पर यहाँ पर एसपी औरैया ने एक पूरी टीम बनाई। टीम ने भोगनीपुर थाना में छापेमारी की और पुलिस की टीम ने 50 किलो चांदी बरामद की। और ऐसे में ये तीन नाम जो कि हमने आपको बताए, ये तीन सामने नाम निकल कर सामने आए। तो आरोपी अजय पाल कोतवाल भोगनीपुर थाना के, और ऐसे में ऑपरेशन जागते रहो की आड़ में उन्होंने लूट को अंजाम दिया। चेकिंग के नाम पर 50 किलो की चांदी लूटी और ऐसे में दारोगा और सिपाही के साथ लूट को अंजाम दिया गया और लूटी गई 50 किलो चांदी यहाँ पर हालांकि बरामद कर दी गई है। और ऐसे में तीन आरोपी यहाँ पर पकड़े गए हैं जिनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। तो भोगनीपुर थाना में तीनों ही अपराधी यहाँ पर मिले हैं जो कि पूरी जांच पड़ताल के बाद, पूरी टीम गठित करने के बाद यहाँ पर इस पूरे मामले का खुलासा किया गया। तो चेकिंग के नाम पर 50 किलो की चांदी यहाँ पर लूटी गई और औरैया में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस की टीम ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए तीन अपराधियों को पकड़ लिया है, साथ ही जो 50 किलो की चांदी थी उसको भी बरामद कर लिया। तो बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस को हाथ लगी है। दारोगा और सिपाही के साथ जो ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया था उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जांच पड़ताल और साथ ही कार्रवाई को भी शुरू कर दिया गया। तो टीम ने भोगनीपुर थाना में छापेमारी की, पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद एसपी औरैया ने एक टीम गठित करके इस पूरे मामले का खुलासा किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।